बिहार की सियासत में समीकरण तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, तो अब वही नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुल गए हैं। सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है जानते हैं? वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से, सर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पिछले 48 घंटा से 72 घंटे के बीच में बिहार की सियासत बेहद तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। समीकरण बनता और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बनता जेडीयू और बीजेपी में नजर आ रहा है और बिगड़ता जेडीयू और आरजेडी में नजर आ रहा है। ये ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं चूंकि कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने जो परिवारवाद पर हमला बोला, उसके सुर में सुर मिलाते हुए उसके 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी परिवारवाद पर निशाना साधा है और कहा है कि परिवारवादी पार्टियों की वजह से ही यूथ जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उधर इसके बीच में 12 बजे के आसपास बैक टू बैक रोहिणी आचार्य ने 3 पोस्ट किया। जाहिर तौर पर राजनीति विश्लेषक जो भी है जानकार मान रहे हैं, नाम बेशक नहीं लिखा हो उन्होंने, लेकिन नीतीश कुमार पर इशारों इशारों में उन्होंने निशाना साधा है। अब इस बीच में बीजेपी ने इस आग में घी डालने का भी काम किया है और अपने लिए रास्ता बनाने का भी काम किया है। सुशील मोदी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, नीतीश कुमार के साथ कभी सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, नंबर 2 की हैसियत थे, बिहार बीजेपी के बड़े नेता कहे जाते हैं। लगातार वो कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है, बीजेपी का दरवाजा बंद है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो हम लोग नीतीश कुमार का साथ लेने से गुरेज नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे, नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेंगे। तो मतलब कि कल तक जो लोग नो एंट्री का बोर्ड लेकर के घूमते थे नीतीश कुमार के लिए, अब कहीं ना कहीं वो लोग नरम हो गए हैं और एक तरीके से वेलकम करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि एक टर्म एंड कंडीशन जरूर लगाया है उन्होंने कि अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहता है तो जाहिर तौर पर केंद्रीय नेतृत्व अगर नहीं चाहता तो फिर नीतीश कुमार के जस्ट बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का इस तरीके से बयान नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कहा जाता है कि वो कोई भी कुछ भी बोलते हैं तो बड़ी ही मतलब चतुराई से सोच समझ कर उस रणनीति के तहत बोलते हैं। तो संकेत तो मिल ही रहा है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर की जो भारत रत्न देने की मांग जो थी, इतने सालों से पूरी नहीं हो पा रही थी। 36 सालों बाद अगर किसी सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है तो वो मोदी सरकार ने दिया है और वो नीतीश कुमार की मांग थी। तो नीतीश कुमार को खुश करने के लिए भी बीजेपी तमाम जतन कर रही है। और इधर बिहार बीजेपी के नेता या सम्राट चौधरी लगातार ऐसा कहते रहे हैं। कल परसों अश्विनी चौबे का भी बयान आया था, गिरिराज सिंह का भी बयान आया था, नो एंट्री नो एंट्री, दरवाजा बंद हो चुका है, अब उनको कंधे पर नहीं बिठाएंगे। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले सुशील मोदी का जो बयान आया है उसने साफ संकेत ही नहीं बल्कि पुख्ता तौर पर ये जता दिया है कि बिहार में अगले चंद घंटों में कुछ न कुछ बड़ा खेला होने वाला है और वापस एक बार फिर से थोड़ा थोड़ी जल्दबाजी कही जाएगी, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ रहे हैं। चूंकि जो परिस्थितियां बनती जा रही है, जो हालात बनते जा रहे हैं, वो नीतीश कुमार के अनुकूल बेहद नहीं है। और कल ही कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार के हित में हमेशा वो फैसला लेते आए हैं और बिहार के हित में जो भी अच्छा लगेगा वो डिसीजन लेंगे। तो अब बस इंतजार कीजिए इस बात तक कि नीतीश कुमार कभी भी आकर के ये बोले कि बिहार के हित में मैंने एनडीए में वापस जाने का फैसला लिया है, बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया है। स्नेहा, तो देखिए, जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए का हिस्सा बनने का जो सुर्खियां है वो तेज हो रही है, और इस तरीके के बयान के बाद कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह दे कि बिहार के हित में उन्होंने एनडीए का साथ फिर से थाम लिया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।